Hello friends, welcome to my channel Dinesh sir. Logarithm maths 11th standard first exercise हम सीख रहे हैं. इस exercise के 3 parts आप देख चुके हैं और ये part 4 है. जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो chapter है, इस chapter के अंदर total 3 exercise है and third 3 exercise में से जो first exercise है उसमें बहुत सारे questions हैं, approx 14 questions है जिसके अंदर बहुत से sub questions हैं. इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के टोटल 7 क्वेश्चन हम सीख चुके हैं पिछले पार्ट 3 तक और ये पार्ट 4 वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा आज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड. टोटल 14 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पार्ट 4 में एंड ये फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन, If log of x plus y upon 3 is equal to half log of x plus half log of y. This is given. ये दिया हुआ है. Then show that मतलब proof करो. x upon y plus y upon x is equal to 7. तो देखते हैं कैसे proof करेंगे इसे. सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप proof लिख लो. Proof कर रहे हैं तो proof लिख लो इसका. Log x plus y upon 3 जो भी दिया हुआ है, given content है वो आपको लिखना है कि आपने जो question में दिया हुआ था वो लिख लिया. अब हमको कैसे भी प्रूव करके ये चीज लानी है, x upon y plus y upon x is equal to 7. तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कैसे करना है. सबसे पहले आप देखेंगे equal के दोनों साइड में, means left hand side and right hand side, दोनों साइड में log दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपको ये करना है कि दोनों साइड का लॉग हटा देना है. लेकिन लॉग कैसे हटेगा, तो लॉग हटाने के लिए सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, वो लॉग के बाद में होना चाहिए. जैसे ये लॉग है, लॉग के बाद x प्लस वाई अपॉन 3. यहाँ पर लॉग दो अलग अलग जगह पे है, यहाँ लॉग के पहले हाफ है, यहाँ भी लॉग के पहले हाफ है. तो पहले आपको इनको एक साथ करना होगा, लॉग को कॉमन लेना होगा, तो ही आप कुछ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ अपॉन 2 है दोनों में. इन दोनों का अपॉन 2 हटाने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 आ जाएगा, 2 लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड रह जाएगा सिर्फ लॉग x, एंड यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा लॉग y. नाउ यहां आप देख सकते हैं यहां लॉग के पहले 2 आ चुका है. जैसा मैंने पहले बताया था, लॉग के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो 2 है इसको लॉग के बाद का जो नंबर है उसके पावर में लेके जाएंगे. कौन सी प्रॉपर्टी देखिए, जरा ध्यान दीजिए, a log b is equal to p. So, इसमें ऐसा होता है कि लॉग के पहले कोई भी नंबर है तो वो जो नंबर है वो इस तरह से पावर में चला जाता है. लॉग बी ये जो है इस तरह से पावर में आप डाल सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है. तो ठीक इसी तरह से ये जो 2 इंटू है, ये लॉग के बाद जो नंबर है इसके पावर में चला जाएगा. ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन 3 और ये 2 चला गया इसके पावर में. देन यहाँ पर हम लॉग कॉमन ले सकते हैं, लॉग कॉमन एंड ये हो जाएगा x. जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि जब भी प्लस हो और लॉग कॉमन लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है इनटू, तो ये हो जाएगा x इनटू y, दोनों का लॉग कॉमन, और अगर माइनस है तो डिवीजन हो जाता है इस तरह से. अब दोनों तरफ आप देख सकते हैं लॉग है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड. जैसे ही आप कंपेयर करते हैं दोनों साइड में लॉग है, लॉग दोनों हट जाते हैं एंड यहाँ से दोनों लॉग हटने के बाद आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3. यहाँ देखेंगे स्क्वायर दोनों के लिए, x प्लस वाई का भी स्क्वायर है एंड ये 3 का भी स्क्वायर है, तो आप इस 3 का भी स्क्वायर लिखते हैं. देन ये भी लॉग हट गया, x इंटू वाई होता है एक्स वाई. इसके बाद की जो स्टेप है वो है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर जो है वो हो जाता है 9 एंड x इंटू वाई. नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसके आगे का स्टेप, ये जो 9 है वो यहाँ राइट साइड जाएगा, यहाँ डिवीजन है और ये 9 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x
प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पर जो x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, हम लोग बार बार लिखते जा रहे हैं, उसको यहाँ पर अगर एक्सपांड कर दें तो भी अच्छा होगा। यहीं पर एक्सपांड हम कर देते हैं, जैसे कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, सो आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये जो 9 है वो एक्स वाई में मल्टीप्लाई हो गया 9xy। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x प्लस वाई है उसको हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ किया है। देन हमें क्या लाना था वो देखिए, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन x लाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 2xy है उसको राइट साइड में अगर लेके जाते हैं, वहाँ 9xy दिया हुआ है, ये 2xy वहाँ जाके माइनस हो जाएगा बिकॉज ये प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, 2xy उस साइड गया, 9xy माइनस 2xy, देन आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy। अब आगे क्या करना है, आगे हम ऐसा कर सकते हैं, पहले देखिए आपको लाना क्या है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, तो 7 यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 7 के साथ xy नहीं चाहिए, तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय x इंटू वाई, यानी कि जो ये एक्स वाई है उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, 7xy अपॉन एक्स वाई, सबको हमने xy से डिवाइड किया, क्यों किया, आंसर में हमको 7 आना चाहिए, एंड यहाँ पर 7 के साथ xy है, अगर xy से डिवाइड करोगे तो ये xy और xy कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये जो 1y है यहाँ के 1y से कैंसिल, ये 1x यहाँ x से कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स x है, और नीचे एक x है तो 1x गेट्स कैंसिल, सो ऊपर रह जाता है x अपॉन y, यहाँ पर ऊपर एक y रह गया, नीचे x इज इक्वल टू 7, हमें लाना क्या था चेक करेंगे, x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज 7, और वो यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आपको करना है, और आपको लास्ट में लिखना चाहिए हैंस प्रूव्ड। अब दोस्तों ये जो 8th क्वेश्चन, इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड ऑल, तो आप सब जितने भी सब क्वेश्चन है सबको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या ट्रिक है, सबसे पहले आप जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करके लॉग कॉमन लेते हैं, एंड देन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो लॉग हट जाएगा, एंड जो भी हमारा जो रिमेनिंग टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके फॉर्मूले अप्लाई करके सिंप्लीफाई अलजेब्रा की तरह आप सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है रिक्वायर्ड है या जो भी शो करने के लिए कहा गया वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab देन शो दैट लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, उस क्वेश्चन में ये जो प्रूफ करने दिया हुआ है वो क्वेश्चन के रूप में था, एंड ये जो दिया हुआ गिवन है वो प्रूफ करना था, तो ये थोड़ा सा उल्टा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 8 का उल्टा है, तो कैसे करना है रिवर्स मैनर में वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रूफ, देन जो दिया हुआ चीज है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab दिस इज गिवन, आपने जो दिया हुआ है वो लिख लिया है, देन अब ध्यान दीजिए हमको लाना क्या है उसके ऊपर नजर रखिए, कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, ए प्लस बी अपॉन रूट 5 हमें लाना है, ए प्लस बी अपॉन रूट 5, ए प्लस बी लाना है मतलब आप ध्यान में रखिए कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको लाने की कोशिश करनी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, आपको ये फॉर्मूला अगर आपके पास मिलता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लाना है ए प्लस बी, सो अगर बीच में 2ab आ जाए, 2ab तो ये जो 2ab है उसकी वजह से ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट्स वाई एडिंग 2ab ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में 2ab ऐड करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ऑलरेडी, आप 2ab ऐड करो, बट लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी आप 2ab ऐड करते हैं, देन ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर 3ab एंड 2ab ऐड होके 5ab हो जाता है। नाउ ये तो हो गया, लाना क्या है दोनों साइड में लॉग भी चाहिए, रूट 5 चाहिए,
तो ये रूट फाइव लाने के लिए यहां देखेंगे आपके पास फाइव यहां पर है, फाइव इंटू ए बी। इस फाइव को लेफ्ट साइड में लेके आइए, ये मल्टीप्लाई है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव, एंड यहां रह जाएगा सिर्फ ए एंड बी। नाउ आपको क्या करना है, देखिए ए प्लस बी एंड जो फाइव है उसको भी स्क्वायर के अंदर लेते हैं। सो फाइव को अगर मैं रूट फाइव लिखता हूँ देन रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, इसलिए उस पूरे का स्क्वायर करते समय जो फाइव है उसको रूट में लिया। सो आपको जो लाना था वो मिल चुका है, एंड उस तरफ जो है वो ए इंटू बी ये है। अब कैसे लाएं, अब हम लोग क्या करते हैं कि लॉग लाने की कोशिश करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेते। सो इन दोनों के पहले लॉग आ जाएगा, इस फॉर्मूले को रफ करता हूं मैं, यहां लॉग और यहां लॉग, लॉग ए प्लस बी अपॉन रूट फाइव द होल स्क्वायर आप देख सकते हैं यहां पर है, इज इक्वल टू जो ए बी है उसके पहले लॉग। अभी आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी, एज पर दैट प्रॉपर्टी ये स्क्वायर जो है वो आगे आ सकता है, पार में जो है उसको यहां होगा तो ऊपर ले सकते हैं और पार में होगा तो आगे भी ला सकते हैं। ये टू यहां पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू लॉग ए प्लस बी अपॉन रूट फाइव, और ये जो लॉग है इसे आप ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है उसके अंदर लेके जाएंगे तो लॉग ऑफ ए, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ बी। जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर किसी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है एंड लॉग कॉमन लेते हैं तो ए और बी के बीच में, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई नंबर है दो लॉग, दो टाइम लॉग है, लॉग कॉमन लेते हैं बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ठीक उसका उल्टा है। अगर ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, आप लॉग को अंदर भेजते हैं दोनों के पास तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस हो जाता है। सो यहां पर आप देखेंगे लॉग ए प्लस बी अपॉन रूट फाइव ऐसे ही रह गया, क्या लाना है वो देखिए, लॉग यहाँ टू नहीं चाहिए हमारा टू जो है, और इक्वल के उस साइड में वन अपॉन टू चाहिए, तो ये जो यहाँ तो टू है नहीं, तो यहाँ का जो टू है इंटू है मल्टीप्लाई है वो उस तरफ लेके जाते हैं, वो डिवाइड हो जाएगा वन अपॉन टू, और लॉग ए प्लस लॉग बी जो है वो एज इट इज। अब देखेंगे जो हमें प्रूफ करके लाना था वो यहाँ पर आ चुका है, और आगे आप हमेशा की तरह लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन में और भी सेकेंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन हैं जो इसी तरह से सॉल्व करने हैं, यानी प्रूफ करने हैं, तो होप आप लोग वो करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग। लॉग टेबल का यूज किए बिना हमें इसको प्रूफ करना है, तो कैसे करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लॉग टेबल का कंसेप्ट है वो थर्ड एक्सरसाइज में आएगा। लॉग टेबल्स क्या होते हैं, लॉगरिथम्स टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। फिलहाल इस पार्ट फोर में हम लोग इस फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टेन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन अपॉन फोर इज लेस देन लॉग टू इज लेस देन वन अपॉन थ्री। ये जो क्वेश्चन इसे प्रूफ करना है कि जो वन अपॉन फोर है वो लॉग टू से छोटा है एंड लॉग टू की वैल्यू वन अपॉन थ्री से छोटी यानी कम है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। आप पहले यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हमें दैट इज। तो सबसे पहले आई डॉट ई डॉट का मीनिंग समझिए, दैट इज, दैट इज वन अपॉन, दैट इज टू प्रूव दैट, जो क्वेश्चन है उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, वन अपॉन फोर इज लेस देन लॉग टू बेस टेन एंड लॉग टू बेस टेन इज लेस देन वन अपॉन थ्री। हमने किया क्या कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया। पहला पार्ट था वन अपॉन फोर इज लेस देन लॉग टू, यानी वन अपॉन फोर है वो लॉग टू से छोटा है एंड जो लॉग टू है वन अपॉन थ्री से लेस है वो, ये क्या है दैट इज टू प्रूव दैट, मतलब ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन को हम चेंज करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम हर बार ये लिखते जाएंगे। फिर से मैं लिखूंगा दैट इज टू प्रूव दैट
ये आपको बार बार लिखना है, दैट इज टू प्रूव दैट. अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये वन है यही रखो, अपॉन फोर यानी डिवीजन है, ये फोर यहाँ चला गया, डिवीजन है इस साइड गया, तो फोर मल्टीप्लाई हो गया, फोर लॉग टू बेस टेन. सेम तरीके से आप यहाँ भी करेंगे, जो यहाँ किया लॉग टू बेस टेन है, यहाँ वन है, ये थ्री डिवीजन में है, यहाँ से थ्री डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन देन दैट इज टू प्रूव दैट. अब वन ये जो फोर है ये चला जाएगा टू के ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा log टू रेस टू फोर टेन. एंड सेम वे से यहाँ जो थ्री मल्टीप्लाई ये चला जाएगा टू के ऊपर, log टू क्यूब लेस देन वन. सो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर log है, इस तरफ तो log नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा. सो आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, log टेन बेस टेन, ये जो मैंने पहले पार्ट में दिया हुआ है फॉर्मूला कि log ऑफ टेन अगर ये दोनों सेम है बेस और ये नंबर, तो आंसर वन आता है. यहाँ पर आप देखेंगे log बेस टेन है, ये वन है, उसे हम कर सकते हैं log ऑफ टेन बेस टेन, दोनों सेम है, इसका आंसर वन आएगा, तो वन को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर आ गया log बेस टेन टू रेस टू फोर, टू रेस टू फोर ये हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू का फोर टाइम्स मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन, सो टू रेस टू फोर इज सिक्सटीन. एंड सिमिलरली log टू क्यूब, मतलब टू क्यूब मीन्स log टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज एट. और यहाँ पर भी जो वन है उसे हम लिख सकते हैं log ऑफ टेन टू द बेस टेन. अब आगे क्या होगा देखिए, दोनों साइड में log है, कंपेयरिंग यहाँ पर आपको हर बार लिखना है, दैट इज टू प्रूव दैट. अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, तो आपको मिलता है जो log 10 एंड log 16 है, दोनों का log हम कंपेयर करते हैं तो आ जाता है 10 एंड 16, और जो सिंबल है वो ऐसा है. एंड यहाँ पर log log हट जाएगा, 8 लेस देन 10, यानी दोनों का बेस 10 जो है वो भी हटा देना है आपको log के साथ. अब इसको चेक करिए, 10 इज लेस देन 16, 10 है वो 16 से कम है यानी 16 से कम है, एंड 8 इज लेस देन 10, 8 10 से छोटा है, ये ट्रू है. आप लिखेंगे दिस इज ट्रू, यानी ये सही है, अरे हमेशा सही आएगा, बिकॉज ये जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो वो फॉल्स कभी नहीं आएगा, हमेशा सेम आएगा. और आगे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट हमारा प्रूफ हो चुका है जो क्वेश्चन था, वन अपॉन फोर इज लेस देन log टू बेस टेन इज लेस देन वन बाय थ्री. एंड इसे आप बॉक्स कर सकते हैं फाइनल आंसर को. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसे प्रूफ करना है. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बहुत से सब क्वेश्चन है और भी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जिसे आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. टेक्निक मैंने बताई है, एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी आपको खुद से करने चाहिए. तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. इफ log x अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू log z अपॉन ए माइनस बी, देन शो दैट. फर्स्ट क्वेश्चन x y z इज इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन x रेस टू ए y रेस टू बी z रेस टू सी इज इक्वल टू 1. एंड थर्ड क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन इज x रेस टू b प्लस सी इंटू y रेस टू c प्लस ए इंटू z रेस टू a प्लस b इज इक्वल टू 1. अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर थ्री क्वेश्चन पूछे गए, सब क्वेश्चन. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एडवांस सेकेंड है, और सेकेंड से भी एडवांस थर्ड क्वेश्चन है. तो अगर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सिखाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन खुद कर पाएंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो ये शो करना है यानी प्रूफ करना है, आंसर वन लाना है, वो करने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा करेंगे जो गिवन है उसे लेते हैं. गिवन, मैं थर्ड क्वेश्चन प्रूफ करके बता रहा हूँ, इलेवेंथ क्वेश्चन में गिवन log x upon b minus c is equal to log y upon c minus a is equal to log z a minus b. इसको आप k assume करिए, let करिए, let मतलब माना, आपने मान लिया है कि ये जो तीनों भी रेशियो है इसका आंसर k है.
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे करें log z अपॉन a माइनस बाई इज इक्वल टू k, सो log z की वैल्यू आती है जो a माइनस बी डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली जो log y है वो हो जाएगा log y के नीचे c माइनस a है वो वहाँ गया k से मल्टीप्लाई हुआ k इंटू c माइनस a। सिमिलरली log x जो है log x b माइनस c k के साथ मल्टीप्लाई हो गया k b माइनस c। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने log x की वैल्यू यहाँ पर ले ली है, देन log y की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं, देन log z की वैल्यू। सो ये जो log x log y log z की वैल्यू है वो आगे हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है इसको ध्यान से देखते, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो प्रूफ करना है कंसीडर, या तो जो थर्ड क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि x रेस्ट टू बी प्लस सी इंटू वाई रेस्ट टू सी प्लस ए इंटू जेड रेस्ट टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये वन प्रूफ करना है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को चेंज किया था, चलिए थोड़ा कुछ स्टेप जो हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो आप लिखेंगे दैट इज टू प्रूव दैट, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में लॉग लेता हूँ, दोनों साइड में लॉग लेते हैं, जिससे क्या होगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू वाई रेस टू सी प्लस ए इंटू जेड रेस टू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन था, मैंने इसका जो है लॉग किया और उस साइड वन है उसका भी लॉग करेंगे, देन जो लॉग है वो अंदर जाएगा और सबका लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू है ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है आप वहाँ प्लस करते हैं, लॉग ऑफ वाई रेस टू सी प्लस ए फिर मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, लॉग ऑफ जेड रेस टू ए प्लस बी एंड लॉग ऑफ वन, वन का लॉग जीरो होता है कभी भी याद रखिए, वन लॉग इज ज़ीरो। नाउ एज पर लॉग प्रॉपर्टी ये जो बी प्लस सी पावर में है वो आगे आ जाएगा, और अब मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको आगे के स्टेप्स, ये जो बी प्लस सी है वो एक्स के पावर में है वो आगे आ जाएगा लॉग के पहले, तो वो हो जाएगा बी प्लस सी लॉग एक्स, देन सी प्लस ए आगे आएगा सी प्लस ए लॉग वाई, देन ए प्लस बी आगे आएगा ए प्लस बी लॉग जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए दैट इज टू प्रूव दैट, अब हमने क्वेश्चन जो है चेंज कर लिया है, अब यहाँ भी लिखेंगे दैट इज टू प्रूव दैट, इस हर एक स्टेप में हमने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया है। अब जो ये एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के पहले जो भी दिया हुआ है वो एल एच एस आप लेते हैं और उसका आर एच एस वैल्यू जीरो है वो लाना है, तो कैसे लाएंगे वो देखते हैं। अब लिखते हैं पहले बी प्लस सी इंटू लॉग एक्स प्लस सी प्लस ए इंटू लॉग वाई प्लस ए प्लस बी इंटू लॉग जेड, अब जो एल एच एस है वो लीजिए, जो आर एच एस है राइट हैंड साइड में जीरो लाना है वो जीरो मत लिखिए, हम आंसर में जीरो लाने वाले, कैसे आएगा वो देखते हैं, कमाल है। बी प्लस सी लॉग एक्स, अब देखते हैं यहाँ पर लॉग एक्स है, लॉग एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी के इंटू बी माइनस सी, लॉग एक्स की जगह आप लिखते हैं के इंटू बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए लॉग वाई, लॉग वाई की वैल्यू है के सी माइनस ए, के सी माइनस ए ए प्लस बी और लॉग जेड, लॉग जेड की वैल्यू आप देखते हैं के इंटू ए माइनस बी, के इंटू ए माइनस बी। नाउ नेक्स्ट है देखेंगे आप के है यहाँ पर, सब में से के कॉमन ले सकते हैं, यहाँ के है के और यहाँ के है, हम यहाँ पर हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स में के कॉमन है तो हमने के कॉमन ले लिया, देन यहाँ पर बी प्लस सी और बी माइनस सी, इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी आपने एट स्टैंडर्ड में सीखा है, अगर ऐसा कभी हो तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो वैसे ही बी प्लस सी एंड बी माइनस सी है तो फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ के कॉमन आ चुका है सी प्लस ए सी माइनस ए हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड
इसी तरह से जो ये a प्लस बी और ये माइनस बी आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के कॉमन था, ब्रैकेट ओपन करते बच्चों, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी बचा था वो लिख दिया मैंने सेम एज इट इज मैंने कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल मीन्स वो माइनस होके जीरो हो चुके हैं। नाउ के इंटू जीरो इज जीरो, राइट हैंड साइड में हमें लाना था जीरो, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी हमें जो प्रूफ कर रहा था वो प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में ये था और राइट साइड में जीरो था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया उसको सिंप्लीफाई किया आंसर जीरो लाया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट, ये फॉर्मूला ये रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, सो हैंस प्रूव्ड दैट, जो भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं x raised to b plus c into y raised to c plus a into z raised to a plus b is equal to 1, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली अब ये जो ऊपर के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ये जो स्टेप है ये तो कॉमन है सब में, आप इसको k एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये k है, log x log y log z की वैल्यू इस तरह से आ जाती है, उसको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते समय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, अब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू लॉग 1, ये जीरो हो जाएगा, लॉग अंदर जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इस तरह से हो जाएगा, और सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है वो बहुत ही ईजी है, जहाँ भी लॉग एक्स वाई जेड होगा उसे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, और ठीक उसी तरह से जैसे ये किया ये और भी सिंपल है, मैंने जो उसका थर्ड वाला था जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसको सॉल्व करके बताया, तो होप आप फर्स्ट एंड सेकेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 हुआ पूरा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कहता है इफ log x अपॉन a इज इक्वल टू log y अपॉन 2 इज इक्वल टू log z अपॉन 5 इज इक्वल टू k, देन प्रूव एंड गिवन दैट x रेस टू 4 इंटू y क्यूब इंटू z रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू पता करें। सो ये भी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने सिखाया क्वेश्चन नंबर 10 उसके जैसे ही क्वेश्चन है, बट उसमें प्रूव करना था, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टेप्स मोस्टली सेम है, आप बिल्कुल देखते रहिए आपको आएगा। सबसे पहले जो ये दिया हुआ है वो आप वापस लिखिए, log x इज इक्वल टू a, log y इज इक्वल सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, जो दिया है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, log x अपॉन a इज इक्वल टू log y अपॉन 2 इज इक्वल टू log z अपॉन 5 इज इक्वल टू k। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था वैसे ही, जो log z है अपॉन 5 ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 5k। सिमिलरली log y इज इक्वल टू 2 इंटू k 2k, सिमिलरली log x इज इक्वल टू a है तो a इंटू k a k। सो फ्रेंड्स ये जो है log x log y और log z की वैल्यूज है वो दिए हुए फर्स्ट टॉपिक से आ गया है। जो सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है ऑल्सो x रेस टू 4 y क्यूब z रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये जो है ये दिया हुआ है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे a की वैल्यू फाइंड? सिमिलरली आप क्या करो, दोनों साइड में लॉग लेना, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग एक्स रेस टू 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग 1। दोनों साइड में लॉग लेते ही आपको ये मिल चुका है। अब ये लॉग है वो ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए और सबके पास लॉग जाएगा। सबके पास लॉग जाने से log x रेस टू 4 ये इंटू है वो हो जाएगा प्लस log y क्यूब प्लस log z रेस टू माइनस 2, ये जो log 1 है वो 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था log ऑफ 1 0 होता है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, जो x के पार में 4 है वो आगे आ जाएगा और हो जाएगा 4 इंटू log x प्लस ये 3 है वो आगे आएगा एंड 3 log y प्लस सिमिलरली माइनस 2 आगे आएगा। सो माइनस 2 इंटू लॉग जेड इज इक्वल टू, ये जो जीरो है वो हो चुका है लॉग 1 0।
ना आपको ये यूज़ करना है, अब log x, log y, log z की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। ये रहा 4 इंटू log x, log x की वैल्यू है a इंटू k, a k प्लस 3 इंटू log y, log y की वैल्यू है 2k एंड प्लस माइनस माइनस 2 इंटू log z, log z वैल्यू है 5k इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू ए के 4ak प्लस 3 टू जा 6k माइनस 2 5 जा 10k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सब जो दिया हुआ है और सॉल्व करते हैं, 4ak 6k माइनस 10k, दोस्तों इन दोनों को ऐड आप नहीं कर सकते, इसमें a दिया हुआ है इसमें a नहीं है, ये 6k और 10k जो है सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस 6k माइनस 10k मिलेगा माइनस 4k इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इन दोनों में कुछ कॉमन लेके भी कर सकते हैं 4k कॉमन, या तो दूसरा ट्रिक ये है 4ak इज इक्वल टू माइनस 4k को उस तरफ लेके जाइए और वो हो जाता है 4k। अब यहाँ पर ओनली a को रहने दीजिए 4k, और ये जो 4k है वो उस तरफ गया तो डिवाइड बाय 4k हो गया, ये मल्टीप्लाई थे उस तरफ जाके डिवाइड हो गए, k k कैंसिल, 4 4 कैंसिल 1, सो a का आंसर मिल चुका है 1। तो दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 थे उनके स्टेप सिमिलर थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में और भी दो क्वेश्चन है 13 और 14 जो बिल्कुल 11 और 12 क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए आपको ज़रूर आएगा। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि पूरे चैप्टर का मेजर पार्ट था 50-60% वो हो चुका है पूरा, और उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये जो है पार्ट 4 था जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 जो वीडियोस है उसके उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1-7, और आज इस पार्ट में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8-12 और 13-14 मैंने आपको दिया है होमवर्क। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया पूरा, इसका जो अगला भाग है पार्ट 5 जिसमें आप सीखेंगे एक्सरसाइज 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2, एंड जिसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए, उनकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मैथ सीख रहे हैं मेरे साथ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने जैसे और भी स्टूडेंट्स को अगर चाहते हैं वो भी इस तरह से घर पे बैठे बैठे अगर मैथ सीखें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।